हरिओम। मीत जी, आज मैं ब्रिज के घर क्यों नहीं जा सका? मुझे लग रहा है कहीं उसके घर ना जाकर मैंने। आप होनी को नहीं डाल सकते हैं जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब देखो ना, आजकल में आनंद यहाँ आ जाएगा। कभी सोचा था हमने कि कवि का बेटा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा और हमारे बीच खड़ा होगा? हम तो अभी अपने बीते हुए कल को ही नहीं भुला पा रहे थे कि आने वाला कल हमारे सामने खड़ा हो गया। यही तो मीत, हम अभी तक अपने कल को नहीं भुला पाए, इसलिए तो मुझे डर लग रहा है कहीं मनीषा कुछ ऐसा ना कर बैठे। कवि मेरी छोटी बहन थी, मेरी बेटी जैसी। अभी तो उसके खोने के पाप से नहीं बच सका हूं मैं, अब एक और पाप को नहीं होने दूंगा मैं। मीत, नहीं होने दूंगा मैं। ये ले। क्या है? ढोकड़ा छे। बस अरे तो बैठ ना चित्रा, मैं परोस रही हूँ। अरे नहीं माँ, आ जा, छोड़ ना इसे। आप क्या कर रही है? तू बैठ ना माँ। ये समझ ले कि तू मेरी सास है और मैं तेरी बहू। वैसे भी पता है अगले महीने मेरी सास आने वाली है, उनकी सेवा करने की तो प्रैक्टिस डालनी ही पड़ेगी मुझे। फिर एक काम कर चित्रा। क्या? तू एक और बच्चा जल्दी से पैदा कर ले। क्यों? हाँ, माँ को तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की देखभाल करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। ओए होए, शर्म आ गया। अच्छा मैं बताऊँ, तुझे किसने पाला पोसा है? तुम्हारी सास थी ना। ए बुद्धू, ये तेरा पहला बच्चा है, उसे भी तेरी सास पैदा करवाएगी और पालेगी भी, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा? अपनी बीवी की सेवा। हाँ वो तो वैसे भी करता है। अच्छा। कौन क्या करता है? अपनी बीवी की सेवा। अरे भाई वो तो मैं भी करता हूँ। करता हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। ये कौन? हाँ अच्छा बाबा, मनीषा कहाँ है? अरे अंकल, आप यहाँ क्यों आए हो? घर पर सब ठीक तो है ना मानव? सब ठीक है बेटा, बाबा घर पर हैं। मनीषा वो जरा, कौन आया है चित्रा? कैसी हो सुशीला? क्यों, बुढ़ापे में घर भूलने की बीमारी होने लगी है क्या? काश सब कुछ भूल जाने की आदत हो जाती है तो अच्छा होता। हुई तो नहीं, फिर क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें एक आखिरी गलती करने से रोकने के लिए आया हूँ। रिटायर हो चुके हो फिर भी शिक्षा देने की आदत गई नहीं अभी? अंकल पानी, तुझे तो अपनी बेटी ही माना है मैंने, और बेटी के घर का पानी नहीं पीते हम। अपने पुराने दोस्त का घर समझकर ही पी लीजिए। बेटी, अरे ब्रिज, बच्ची पर क्यों चिल्ला रहे हो? दुश्मनी ही सही, वो तो हम दोनों के बीच में है, उसकी सजा तो हम भुगत ही चुके। तुम भुगत चुके होगे, मुझे तो आज भी तुम कहां चैन से जीने दे रहे हो? इसलिए तो आया हूं मैं ब्रिज, इसलिए तो आया हूं। क्यों ना हम बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझकर अपनी बाकी की सजाएं माफ करवा लें। मेरी और मेरे बच्चों की खुशी की परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है अमर। पानी पी लो और निकल जाओ यहां से। ब्रिज, आज तक तुमने कभी किसी को खोया नहीं है, इसलिए गुरूर में बात कर रहे हो? कभी किसी अपने को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखा है, इसलिए अकड़ रहे हो? आज तक तुमने कभी किसी मौत का बोझ नहीं उठाया, इसलिए झूठी ऐर दिखा रहे हो? संभलो ब्रिजभूषण, संभलो, इससे पहले कि तुम्हें पश्चाताप करने को भी ना मिले, संभल जाओ। ये लेक्चर तुम अपने घर में जाकर देना अमर, तुमने पाप किया होगा जिसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। माफ करना, लेकिन इस घर की औलाद वही करती है जो उनके माँ बाप चाहते हैं या कहते हैं। वो उन्हीं की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं, और अगर मुझे इतना गरूर है तो वो इसलिए अमर
क्योंकि मेरे बच्चे न तो इतने बेवकूफ हैं न तो इतने कमजोर, उन्हें खाम खा अपनी जान दे देनी पड़े। बस ब्रिजभूषण, बस सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। ब्रिजभूषण, अगर ऐसे ही है तो भगवान ना करे कि तुम्हारा कभी गुरूर टूटे। मुझे माफ कर देना, मैंने खाम खा तुम लोगों को यहां आके तकलीफ दी है। यहां आने की गलती तुमने दूसरी बार की है अमर, याद रखना, ज्यादा गलती करने पर माफी भी नहीं मिलती। प्रणव के लिए चाय बना रही हूं, आप लोगी? क्या हुआ जी? पूछती हूं हुआ क्या? अरे आप इस तरह जोरों की तरह क्यों जा रहे, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या मना किया था ना मैंने? मना किया था ना? क्या सोचते आप अपने आप को दुनिया बदल डालेंगे? आप कराली बेचती एक बार फिर पड़ गई ठंडक आपके कलेजे में। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? पूछ इनसे, गए थे इतिहास बदलने उस जावेरी के यहाँ, मेरे मना करने के बावजूद। क्या कहा उसने आपको? बाबा जी यहाँ देखिए, कहा क्या उसने आपको? प्रणव रुको, प्रणव प्लीज, ओए यार बाबा जल्दी आओ, प्रणव 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 क्यों रुको? अब मैं रुकूं? मैं पागल नहीं हुआ लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ गया। प्रणव। हाय प्रणव भैया। मैं आनंद हूं। लगता है मामा जी आपको राजपूत हिस्ट्री का लेसन सिखा रहे थे। चलो मैं सही वक्त पर ही आया। वेल, तलवारबाजी का तो नहीं पर घुड़सवारी का मुझे भी शौक है। अंदर आऊं? प्रणाम मामी जी। जी तेरो। मामा जी कहाँ हैं? देखो तो जी कौन आया है। यही समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी फिट है या मैं अंगूठी में फिट हूं। अरे वो जो भी हो, लाइफ फिट है या नहीं? या गुड। अच्छा आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? मसाला टी। सॉरी अभी लाइव। थैंक यू अंकल। अंकल I'm sorry to disturb you. No. I'm sorry. मैं जरा No, I should say sorry, uncle. मैं इतना excited हो गया कि घर सीधा आ गया।
I would have called you first. No, no, no formalities. बोलो क्या बात? वो अंकल कल रात को मैंने अपने कंप्यूटर पे बैठ के ये इनविटेशन कार्ड तैयार किया है. शादी का? नो अंकल, एंगेजमेंट पार्टी का. यस यस, आई नो सिली है बट. नहीं नहीं, इट्स ब्यूटीफुल. अरे वाह, तुमने इस पार्टी का वेन्यू भी डिसाइड कर रखा है. नो अंकल, डालने के लिए कुछ नहीं था, एंगेजमेंट वही होगी जहाँ आप कहेंगे. क्यों, एंगेजमेंट मेरी हो रही है तुम्हारी? बैठो बैठो. देखो राजेश, जहां भी पार्टी करनी हो करो, बट द पार्टी इज एंटायरली ऑन मी. सारा खर्चा मैं दे दूंगा. प्लीज अंकल, खर्चे की क्या बात करते हैं आप. अच्छा, तो तुम अगर मुझसे ज्यादा कमा रहे हो तो तुम खर्चा करना. हाँ, मगर वो आकाश को मत बताना, वो सारा खर्चा कंपनी में डाल देगा. ओके अंकल, आई थिंक मैं अपने डैड से कहता हूँ, आजकल काफी कमा रहे हैं वो. तो हो चुका, तुम्हारे डैड मुझसे सारा खर्चा वसूल करवा लेंगे बाद में. अंकल नो प्रॉब्लम, आप मनीषा को देना, मैं मनीषा से लेकर आपको वापस दे दूंगा. स्मार्ट बॉय. अरे हाँ, ये मीठी को दिखाया कि नहीं तुमने? नहीं, अभी दिखाना है अंकल. अरे तो जाओ, सबसे पहले उसे पास करवाओ, अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आया तो वो इसी बात पे एंगेजमेंट कैंसिल करवा सकती है. अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था. जाओ दिखाओ. राजेश, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूं? क्योंकि और कोई भी मेरे दरवाजे पर नॉक करके अंदर नहीं आता. अंकल ने कुछ कहा? नहीं, मैं जब आया तो वो भी नीचे चुप थे और ऊपर तुम भी जैसे कि रो रही हूं. बेटी की शादी के बारे में सोचकर बाबा तो उदास होंगे और बेटी भी बिछड़ने के गम में रोएगी ही. आर यू बीइंग सरकास्टिक? और तुम्हें क्या लगता है? मनीषा, मुझे कुछ भी नहीं लगता है. मैं तो एक मिनट खुश होता हूँ तो दूसरे मिनट बहुत टेंस हो जाता हूँ. क्यों? मेरी अपनी इनसिक्योरिटी आई फील. एक पटेल की क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? राजेश पटेल की तो हो सकती है. तुम्हें अभी लगता है कि मैं एंगेजमेंट में नहीं आऊंगी? नहीं, मुझे उस बात का डर नहीं मनीषा, पर कहीं तुम एंगेजमेंट के बाद. क्यों राजेश, तुम मुझे इतना भी नहीं समझे? नहीं समझाऊं इसीलिए तो. तुमने मुझे समझने का मौका ही कब दिया मनीषा? कैसा मौका चाहिए तुम्हें? मनीषा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ. I just want to be with you, that's it. You are with me right now. ये कार्ड मैंने कल डिजाइन किया था. अच्छा है. बस सिर्फ अच्छा है. तुम भी बाबा की तरह यही चाहते हो कि मैं वही कहूँ जो तुम सुनना चाहते हो. तुम अगर कुछ नहीं भी कहोगे तो भी मुझे चलेगा. बाबा भी यही चाहते हैं कि मैं कुछ ना कहूँ. तुम्हें डिजाइन पसंद आया? हाँ. फाइन, देन आई एम हैप्पी. ग्रेट, वंडरफुल. राजेश, तुम सच में बहुत खुश हो ना? बाबा भी बहुत खुश है हमें ऐसा देखकर. फिर और क्या चाहिए लाइफ से? या राजेश, कितनी अजीब बात है ना, कितना आसान होता एक दूसरे को खुश करना, लेकिन हम फिर भी सबको खुश करने में लगे रहते हैं. हाउ सिली. सॉरी बेटा, मैं भी क्या सुनाने लग गया तुझे. अभी अभी तो तू आया है, इतने सालों के बाद देख रहा हूं तुझे, और मैं हूं कि बस. मामा जी, मैं भी इस घर का बेटा ही हूं ना. हाँ आनंद, तू इसी घर का बेटा है. तुम्हें सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? पहली बार यहाँ आया और आते ही आपसे हिस्ट्री नहीं तो क्या ज्योग्राफी सुनूंगा. अच्छा बेटा, अब तेरी बारी है, तेरी हिस्ट्री की. कॉलेज के चैप्टर से शुरू कर. इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. पहले तो मैं कॉलेज जाना ही नहीं चाहता था. क्यों? स्कूल तो मैंने बोर्डिंग में रहकर ही खत्म कर लिया, लेकिन कॉलेज से वापस घर आना पड़ता था, और घर पर भी कब तक अपने आप से और अपनी किताबों से बातें करता. डैडी हैं सो बिजी रहते हैं, घर पर हुए भी तो मुझे देखकर अपने आप को बिजी कर लेते हैं.
शादी है सो खाट पर लेटी रहती है, उनके लिए तो आया है ही। तेरे पिता ने कभी हमारे साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मामा जी वो किसी को हेट नहीं करते, बस अपने आप से ही खफा रहते हैं। मैंने उनको एक बार दादी से कहते सुना था कि ऐसा उन्हीं के साथ क्यों हुआ। ये सवाल तो मैं भी कई बार करता हूं बेटे, पर जवाब ना मिलने पर शांत हो जाता हूं। ये सोच के कि चलो जिसे वापस लिया उसने, उसे तो याद ही कर सकते हैं बेटे, लेकिन जो हमारे साथ हैं, जो हमारे अपने हैं, उन्हें हमारी उनको जरूर तो है ना, तो क्यों ना उसी में खुशी को ढूंढे और जिंदगी को जिए ना कि काटे। मामा जी मैं यहां कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए क्यों बेटा, मैं तो ये कहूंगा कि तुम अब हमेशा के लिए हमारे पास रहो। मानव का कमरा तो है ही, वो आएगा तो भी कमरा बहुत बड़ा है, तुम दोनों आराम से रह सकते हो। और अगर मानव कल ही वापस आ जाए मनीषा से शादी करके वो दोनों। माने यहीं पर पसंद आया? बाबा को भी बहुत पसंद है। माँ को पसंद आया? अरे हाँ, माँ को तो राजेश ही इतना अच्छा लगता है कि वो जो कुछ भी करेगा माँ को अच्छा लगेगा। यानी कि सब खुश है ना दीदी? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सब खुश है? जरा सोच मिट्टी, माँ बाबा के लिए तेरी शादी का क्या मतलब है? उनके लिए तो उनकी दूसरी बेटी की भी शादी हो जाएगी, वो निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ, बेटी को ठिकाने लगा दिया, एक ऐसा पति ढूंढ दिया जो बेटी को खुश रखेगा, कोई कमी नहीं होने देगा। और क्या चाहिए मनीषा, एक लड़की के लिए और होता है क्या जीवन में? शादी से पहले मैंने भी सपने देखे थे कि मेरी शादी कुमार गौरव या आमिर खान जैसे कोई हैंडसम लड़के से होगी। पर मिले प्रवीण भाई। किस्मत वाली हूँ, प्यार सुख चैन सब कुछ तो दिया है उन्होंने। दीदी क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? शादी के बाद और आज भी करती हूँ, दिन में अगर दो तीन बार प्रवीण भाई से बात ना हो ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, और शाम को जब तक वो घर नहीं आते ना तब तक मुझे भूख ही नहीं लगती। वैसे राजेश तो बिल्कुल तेरे लायक है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लगते हैं दीदी, पर मिट्टी इसकी क्या गारंटी है कि मानव तुझे खुश रखता? इतना काफी नहीं है कि मैं मानव के साथ खुश रहती? और माँ और बाबा, उन्होंने तुझे पैदा किया है, पाला पोसा है, उनका कोई अधिकार नहीं है तुझ पर, वो अपनी खुशी की उम्मीद भी नहीं रख सकते तुझसे। दीदी क्योंकि बाबा अपनी बिरादरी के बाहर देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मानव को स्वीकार कर ले तो वो वोरा अंकल के सामने हार जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें दुश्मन समझते इसीलिए, और इसीलिए मुझे वो सब बातें माननी पड़ेगी। आई एम सॉरी दीदी, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बातें एक्सेप्ट करूं क्योंकि आप सही हो और मैं गलत, देन आई डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट। बात सिर्फ ये है कि मैं लड़की हूं और अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो वो पाप माना जाएगा हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में। बहस ये नहीं है मिट्टी, बात ये है कि या तू खुश रहे और भूल जा बाकी की खुशी, या बाकी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ। हाय मनीषा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कैसी हो? जस्ट फाइन थैंक्स भाभी। अंकल है? हाँ हाँ है ना, आओ। और मानव से बात हुई तुम्हारी? डिड यू चैट विद हिम ऑन द नेट? नहीं भाभी, टाइम नहीं मिला। हेलो अंकल, मैं आप ही से मिलने आई हूँ।